वर्ल्ड स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट अमेरिका के लैंडसैट 9 सैटेलाइट की लॉन्चिंग को लेकर है। कल यानी 27 सितंबर 2021 को अमेरिका के द्वारा अपने लैंडसैट 9 सैटेलाइट को सक्सेसफुली एटलस 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च करा गया। और ये जो सैटेलाइट है ये लैंडसैट सीरीज में डेवलप करी गई अब तक की सबसे एडवांस सैटेलाइट है, जिसमें अब तक डेवलप करे गए सबसे हाई रेजोल्यूशन कैमराज का यूज करा गया है। और यह लैंडसैट 9 सैटेलाइट 2019 में लॉन्च करी गई लैंडसैट 8 सैटेलाइट के साथ मिलकर अर्थ की ऑब्जर्विंग करेगी। आपको बता दें कि लैंडसैट 9 एक हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि अर्थ पर होने वाले चेंजेस पर अपनी नजर रखेगी। और लैंडसैट 8 और लैंडसैट 9 सैटेलाइट का डुओ मिलकर पूरे अर्थ के एक डिटेल्ड इमेजेस को हर 8 दिन में कैप्चर कर सकेगा, जिसकी मदद से अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पर होने वाले चेंजेस पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। और लैंडसैट 9 सैटेलाइट को अमेरिका के द्वारा कल 27 सितंबर 2021 को 2:12 PM EDT, मतलब कि अगर आप इसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो यह सैटेलाइट 11:42 PM IST पर कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च करी गई थी। और 1958 मतलब कि नासा के एस्टेब्लिशमेंट के बाद यह नासा का 2000वां लॉन्च था, जिसको कि सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। और अपने लॉन्च के करीब 80 मिनट के बाद यह सैटेलाइट एटलस 5 रॉकेट की लास्ट स्टेज से सेपरेट होकर अपने प्री डिटरमाइंड ऑर्बिट में प्लेस कर दी गई। आज की दूसरी अपडेट ब्लू ओरिजिन के दूसरे क्रूड मिशन को लेकर है। ब्लू ओरिजिन की तरफ से यह अपडेट निकल कर आई है कि उनका जो न्यू शेपर्ड रॉकेट है उसकी सेकेंड क्रूड फ्लाइट 12 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट करा जाएगा। और यह जो क्रूड फ्लाइट होने वाली है यह क्रूड फ्लाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 12 अक्टूबर को लॉन्च करे जाने वाले न्यू शेपर्ड रॉकेट की फ्लाइट में अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपनी प्लेनेट लैब्स के फाउंडर क्रिस बोसोजेन और फ्रेंच सॉफ्टवेयर कंपनी डसॉल्ट सिस्टम्स के वाइस चेयरपर्सन ग्लेन डे ब्राइस इसमें अपनी उड़ान भरेंगे। और न्यू शेपर्ड रॉकेट के नए मिशन को NS-18 मिशन का नाम दिया गया, जो कि न्यू शेपर्ड रॉकेट की 18 फ्लाइट होने वाली है, जो कि ब्लू ओरिजिन की वेस्ट टेक्सास में मौजूद लॉन्च साइट से 12 अक्टूबर को 9:30 AM EDT पर लॉन्च करा जाएगा। और अगर आप इसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो इसके प्रीवियस लॉन्च की तरह ही आप इसको 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे लाइव देख सकते हैं। फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सारी डिटेल्स आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और यह जो NS-18 मिशन होने वाला है इसकी ड्यूरेशन करीब 11 मिनट्स की होगी, जिसमें इसका जो क्रू है वह कार्बन लाइन तक मतलब कि अर्थ के सरफेस से करीब 100 किलोमीटर ऊपर जाएगा, जिसके बाद यह वापस से अर्थ पर रिटर्न हो सकेगा। बाकी इस मिशन की जो और डिटेल्स हैं वे आपको आने वाले समय में जरूर मिल जाएंगी। और यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इतने दिनों से वीडियोस किस वजह से नहीं आ पा रही थी। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर हमारे द्वारा पोस्ट करी गई मैसेज को देख सकते हैं। बाकी हम आज से कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पर स्पेस अपडेट्स प्रोवाइड करी जाती रहे। जो तीसरी अपडेट है वह स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट को लेकर है। आज एक नई स्टडी में यह बताया गया कि स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट्स को GPS मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस के लिए भी यूज करा जा सकता है। और इसके लिए रिसर्चर्स की एक टीम के द्वारा 6 स्टारलिंक सैटेलाइट का यूज करते हुए एक लोकेशन को 8 मीटर की एक्यूरेसी के साथ ट्रैक करा गया। और स्टारलिंक सैटेलाइट ने इसकी करेक्ट लोकेशन को 8 मीटर की एक्यूरेसी के साथ दिखाया। और अगर आप इसका GPS से कंपेयर करते हैं तो GPS के द्वारा 4.9 मीटर की एक्यूरेसी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रैक करा जाता है। वहीं जिन रिसर्चर्स के द्वारा यह एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया उनका यह कहना था कि उनके द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट के सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के बाद कुछ सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम के साथ अपनी पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रैक करा गया, जिसने काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करा। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि फ्यूचर में आपको स्टारलिंक सैटेलाइट का यूज करते हुए GPS देखने को मिले। चौथी अपडेट नासा के मार्स परसिवरेंस रोवर को लेकर है। वैसे तो यह जो अपडेट है वह थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि हम आपको पिछले 2 महीने से परसिवरेंस रोवर की एक भी अपडेट नहीं दे सके हैं, तो परसिवरेंस रोवर के बारे में जरा आपको ब्रीफ से बता दें। तो इस टाइम पीरियड तक परसिवरेंस रोवर ने मार्स पर अपने कई सारे वर्क को कम्प्लीट कर लिया है, जिसमें इस मार्स परसिवरेंस रोवर के द्वारा ड्रिलिंग करने के बाद अपने पहले मार्स रॉक सैंपल्स को भी सक्सेसफुली ट्यूब में स्टोर कर लिया गया। अब इसी परसिवरेंस रोवर के द्वारा मार्स के जेजरो क्रेटर पर अपनी एक नई एपिक सेल्फी को भी कैप्चर करा गया, जो कि आप स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। बाकी अब हमारे द्वारा यह कोशिश करी जाएगी कि हिंदी स्पेस चैनल पर आपको वर्ल्ड स्पेस अपडेट्स के साथ ही परसिवरेंस और जुरोंग रोवर से जुड़ी हर एक अपडेट को डेली बेसिस पर प्रोवाइड करा जाए। चौथी अपडेट नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग को लेकर है। जैसा कि आप सभी को नासा के द्वारा डेवलप करे गए अब तक के सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पता होगा,
जिसके लॉन्च के लिए पहले अक्टूबर 2021 की डेट को फाइनल करा गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ टेस्टिंग प्रॉब्लम्स की वजह से नासा की ओर से इस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग को 18 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल कर दिया गया है। मतलब कि आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग में 2 महीने का डिले देखने को मिलेगा। बाकी इसकी लॉन्चिंग 18 दिसंबर को लाइव आपको हिंदी स्पेस चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी। और अगर आपको इस टेलीस्कोप की करंट पोजीशन के बारे में बताएं तो नासा के द्वारा इसकी लगभग सभी टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया गया है और इसको लॉन्च के लिए नासा के लॉन्च सेंटर तक लाया भी जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। और वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपने अब तक हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है। आशा करते हैं इस बुरे वक्त में आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।